गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि PC210 LNT का मस्तु का पायलट लीवर कैसे ओपन करते हैं, कैसे डिसमेंटल करते हैं, उसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा पायलट लीवर होता है और क्या वर्क करता है और उसका क्या काम रहता है और क्या क्या उसमें सामान लगता दे सकते हैं। अपना ये पायलट लीवर है जो कि PC210 का है। चलिए दोस्तों, हम छोटा सा इंट्रो के बाद आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवक कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल मैकेनिक ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएँ, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम पायलट लीवर को उसको खोल लिए हैं, जिससे ज़्यादा वीडियो लंबा वीडियो ना हो सके। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जिससे आपको पता लगेगा कैसे हम पायलट लीवर को खोलेंगे और क्या क्या उसमें फिट होगा और क्या क्या सामान निकालते हैं। इसको हम जे स्टिक लीवर भी बोलते हैं। चलिए हम एक एक करके पायलट लीवर को खोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल जॉइंट है, यही दो हैं जो कि अपने पायलट लीवर के ऊपर लगते हैं, उसको हमने पहले ही खोल दिया है। और ये जो सील किट है, वाल है, ये उसमें फिटिंग होगी, उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फिटिंग करेंगे। चलिए हम जो चार बोल्ट लगे हैं प्लेट के ऊपर, उनको सबको लूज कर लेते हैं एक एक करके। लूज करने के बाद हम पिस्टनों को बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं हमने दो बोल्ट को खोल लिया है। दोस्तों मैंने आई बटन पर लिंक दिया है, अगर आप लोग को टाटा 6VT का इंजन कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में देखना है तो मेरे आई बटन पर लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। और इन स्क्रीन पे हाइड्रा AC का गियर बॉक्स कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में बताया है, और लियोम लोडर का व्हील हब ग्रीसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप मेरे इन स्क्रीन पर जाके देख सकते हैं, और मेरे अगर होम पेज में और वीडियो आपको देखना है तो होम पेज में जाके देख सकते हैं। हमने पायलट लीवर, जिसको हम जे स्टिक लीवर भी बोलते हैं, उसके चारों बोल्टों को खोल दिए हैं। उसके बाद में चलिए अब हम प्लेट को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं प्लेट को हमने खोल लिया है, जिन देख सकते हैं चार छोटे छोटे पिस्टन लगे हुए हैं दूसरी प्लेट में। इनको हम साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये पिस्टन है, इसी में लगेगी अपनी वो जो सील हमने आपको दिखाया है। चलिए हम जो स्प्रिंग है, और हम इसको पिस्टन स्पूल भी बोल सकते हैं, सभी को एक एक करके निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसमें छोटी स्प्रिंग और बड़ी, मतलब बिग और स्मॉल स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगती हैं। चलिए हम सभी को एक एक करके निकाल देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, चलिए हम पिस्टन को करीबी से आपको लोग को दिखा देते हैं कि कैसे फिटिंग होता है। देख सकते हैं पिस्टन है ये, और इसमें दो स्प्रिंग लगती है बिग और स्मॉल। जो छोटा सा वाल है वही हम फिटिंग करेंगे इसमें, उसी के कारण अपना लीवर, पायलट लीवर बराबर वर्क नहीं कर रहा था। और जे स्टिक लीवर भी हम बोल सकते हैं इसको, जो कि बराबर वर्क नहीं करता, जिसके कारण हमको पायलट लीवर को ओपन करना पड़ा। चलिए अब हम जो प्लेट के चारों पिस्टन हैं उनको एक एक करके निकाल लेते हैं, और उनकी फिर सील किट फिटिंग कर देंगे। लेकिन उसको वीडियो मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ओपन का ही वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। देख सकते हैं इन्हीं को हमको फिटिंग करना है, जो छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में। देख सकते हैं हमने सभी को ओपन करके रख दिया है, और इनको भी सभी पिस्टनों को बाहर निकाल लेते हैं, जो छोटे पिस्टन हैं, और बड़े पिस्टन तो आप देख ही लिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हर पिस्टन में दो दो स्प्रिंग लगती है, बिग और स्मॉल, जिनको हम छोटी बड़ी भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं बाकी खाली बॉडी रखी हुई है, और बाकी सभी हम मटेरियल को खोल दिए हैं। और ये तीन जो
वाल्व हैं प्रेशर के हैं, देख सकते हैं हाइड्रोलिक ऑयल के, बाकी देख सकते हैं दो इन्वर्सल जॉइंट और वो किट रखी है, इसी को बस फिटिंग करना है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।